हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को आईएमटी मानेसर में ईएसआईसी के 500 बेड के अस्पताल के शिलान्यास अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि आईएमटी मानेसर में 500 बेड का यह अस्पताल लगभग 8 एकड़ भूमि पर बनेगा। इस अस्पताल के निर्माण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। गुरुग्राम जिला के अलावा के इस अस्पताल से रेवाड़ी, नूह और आसपास के जिलों के लोगों को भारी लाभ मिलेगा। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम शक्ति समाज का बहुत बड़ा वर्ग है और इस वर्ग को विश्व के निर्माण में बड़ी भागीदारी मिली है। इस वर्ग की खुशहाली के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं और अस्पताल के शिलान्यास से श्रम शक्ति का विश्वास जगा है। आज का यह अवसर ईएसआई के इस 500 बेड के अस्पताल का मात्र शिलान्यास का ये अवसर नहीं है। वास्तव में तो ये जो श्रम शक्ति है, बहुत बड़ा एक वर्ग हमारा ये है। श्रम शक्ति अगर मैं कहूँ कि विश्व के निर्माता के नाते से किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो हमारी श्रम शक्ति से है। सुई से जहाज तक बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस श्रम शक्ति के खुशहाली के लिए, इसकी हर प्रकार की चिंता करने के लिए आखिर तो सरकारी व्यवस्था को आगे आना होता है। तो आज ये 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसके शिलान्यास का मतलब इस श्रम शक्ति का विश्वास जगाना है कि हमारी भी चिंता पूरे प्रकार से होगी, चाहे वो केंद्र सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, चाहे हरियाणा सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, सभी को इन चीज़ों के लिए और हम लोग तैयार रखते हैं कि समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयां अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा में श्रम शक्ति पोर्टल पर 50 लाख से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हैं और श्रम विभाग में 25 लाख लोगों का पंजीकरण है। मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से मानेसर में ईएसआईसी का 500 बेड का अस्पताल बनेगा। हर गरीब हो या अमीर हो, उसका बच्चा, उसको पढ़ने के अवसर अच्छे मिले। बच्चों के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने तक का भी इन्होंने प्रावधान सोचा है। अगर यहाँ कल को नर्सिंग कॉलेज खुलता है तो हमारे इन श्रमिक परिवारों से भी बच्चियाँ वो नर्सिंग के कोर्स में वहाँ जाए, इसका भी प्रावधान हम करते हैं। पढ़ाई के लिए आर्थिक तौर पर किसी को कठिनाई ना आए, कहीं भी किसी भी उच्च स्तर के शिक्षण संस्थान में कोई बालक, नौजवान पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, खास करके गरीब परिवारों की, उन पढ़ाई की व्यवस्था में यदि बैंक से लोन भी लेना पड़ता है तो उसका जो ब्याज है वो भी सरकार पे करती है, उसकी गारंटी जो है वो भी सरकार देती है। आज ये जो इस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया है, इसमें मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का कि जिन्होंने इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि यहां केवल हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक नर्सिंग कॉलेज, उसको भी खोलने की बात इन्होंने स्वीकार की है। और हमने भी कहा है कि हम 5 एकड़ जमीन इसके लिए उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आप जल्दी से इस पर भी काम अपना शुरू करें। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए हमने कैशलेस व्यवस्था भी की है। मानो कोई श्रमिक ईएसआई में जाकर के अपना इलाज कराता है, वहाँ तो उसका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मानो कहीं किसी ईएसआई अस्पताल के बिना अगर किसी श्रमिक को कहीं दूसरे किसी एम्पैनल्ड अस्पताल में अपना इलाज कराना की आवश्यकता पड़े तो मैं ये भी आग्रह करूँगा कि ऐसे श्रमिकों के लिए अगर कोई कैशलेस व्यवस्था हम कर दें और ईएसआई उनको पे करे तो एक बहुत बड़ा लाभ इन श्रमिक भाइयों को हमारा हो जाएगा कि कैशलेस इलाज की व्यवस्था ये भी आप कर देंगे तो इसमें एक लाभ हमको ये मिलने वाला है। सीएम ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने के लिए हरियाणा में प्रत्येक जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल बनाने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के पीजीआई रोहतक और नलहड मेडिकल कॉलेज में 500 बेड और भड़ासा में 600 बेड से अधिक क्षमता के अस्पताल पहले से ही मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।